नमस्कार दोस्तों, मैं तानिया। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए प्राइवेट जॉब का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें आप ज्वाइन करके अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी पोस्ट रहती हैं और 3 डिपार्टमेंट अलग अलग उसमें रहते हैं, लेकिन पोस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। सबसे पहले, अगर आप नए हैं चैनल पर, आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, आप रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे मैं कोई भी नई जानकारी डालूंगी, आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जॉब की। ऑटोमोबाइल के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये जॉब आपको इंडिया में, आप कहीं भी रहते हैं, मिल जाएगी, लेकिन आपकी सैलरी जहां पे अच्छी रहेगी वो है ट्राई सिटी। सिर्फ ट्राई सिटी में आप एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं अच्छी सैलरी के साथ। सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए जो जॉब है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव की और सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की। उसके बाद है टीम लीडर की, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की, फिर है सेल्स मैनेजर की, आफ्टर दैट जनरल मैनेजर की। कुछ कुछ जगह ऐसे भी होती है जहाँ पे GM के बाद यानी कि एज CEO भी हायरिंग होती है। आप इस जॉब को, ये जो सारी मैंने जो 6 पोस्ट बताई है, अगर आप प्लस टू पास है, ग्रेजुएट है, एनी स्ट्रीम से आपने की है, तो इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। आप सिर्फ गर्ल्स के लिए जो बता रही हूँ वो है CCE यानी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की और टेलीकॉलर की। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी रहती है, इंश्योरेंस में, फाइनेंस में, सेल्स में, बॉडी शॉप में, हर जगह पे रहती है। उसके बाद आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की प्रमोशन हो जाती है, HR एग्जीक्यूटिव की, मैनेजर की। और जो बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है वो है इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव की, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की, बैकेंड में रहती है और कैशियर की रहती है। इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव में मोस्टली ये लड़का प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें कलेक्शन का वर्क रहता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का वर्क रहता है, पेमेंट का रहता है, इसलिए यहाँ पे लड़का प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे आपको पेट्रोल का यानी कि कन्वेंस का भी दिया जाता है। आफ्टर दैट फिफ्थ जो वैकेंसी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की है, एसेसरीज एग्जीक्यूटिव की है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए है, इंश्योरेंस मैनेजर के लिए है, उसके बाद फाइनेंस मैनेजर के लिए है। एग्जीक्यूटिव लेवल से आप मैनेजर लेवल पर अपनी प्रमोशन ले सकते हैं यहाँ पर, अगर आपका अच्छा वर्क रहता है। उसके बाद असेसरीज एग्जीक्यूटिव के बाद मैनेजर की, अकाउंट्स मैनेजर की, EDP एग्जीक्यूटिव में रहता है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क रहता है, और उसके बाद मैनेजर की रहती है, और जो उसके बाद प्रमोशन रहती है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से मैनेजर की। अब बात करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट की। यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं सर्विस एडवाइज़र से। यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट हैं, सर्विस एडवाइज़र के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर यहाँ पर BTech होल्डर के लिए एंट्रेंस रहती है। उसके बाद टेलीकॉलर के लिए, उसके बाद प्रमोशन रहती है AWM यानी कि वर्कशॉप मैनेजर के लिए, असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर, फिर WM के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जनरल मैनेजर के लिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो 8th पास 10th पास है, उसको आप वॉशिंग में भी वहाँ पे लगवा सकते हैं। उसके बाद बॉडी शॉप की बात कर लेते हैं, एडवाइज़र से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सुपरवाइज़र की वैकेंसीज रहती हैं। टेलीकॉलर की यहाँ पर ऑप्शनल है, मतलब हर जगह पर नहीं होती, कहीं कहीं होती है। डेंटिंग पेंटिंग में अगर आपके नॉन में है 8th पास 10th पास के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट के लिए जो सैलरी रहेगी फ्रेशर के लिए 8 to 11, एक्सपीरियंस के लिए 11 to 18, प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली रहेगी। उसके बाद 15 से 38 तक भी सैलरी रहती है और इंसेंटिव आपको अलग से प्रोवाइड होता है हर डेजिग्नेशन के हिसाब से। इतना मैं आपको बता दूं कि जो सेल एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनका इंसेंटिव ज़्यादा रहता है प्रमोशन से पहले। और वर्कशॉप और बॉडी शॉप के लिए फ्रेशर के लिए 6 to 12 तक रहती है, एक्सपीरियंसड है अगर आप 12 to 17, 17 से 27। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्राई सिटी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, डायरेक्ट इंटरव्यूज हो रहती हैं यहाँ पर, मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड करवा दूंगी जहाँ के लिए आप देख रहे हैं। कमेंट्स में आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं जो आपको एड्रेस चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इंटरव्यू में आपका सिर्फ जस्ट कॉन्फिडेंस अगर है तो आपको एज अ फ्रेशर एंट्रेंस मिल जाती है। तो आप अपना अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिएगा जब भी जॉब अप्लाई करें। और आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, थैंक यू।